जय मातरम। आप सभी का नेटवर्क ट्रेंड में स्वागत है। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में खास व्यक्ति हैं। जी हाँ, हमारे साथ संजीव बालियान जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से हैं और किसान नेता भी हैं। उनसे हम दो टूक बात करेंगे, जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। आए दिन कुछ नया हो रहा है, हर कोई देख रहा है और आजकल मुजफ्फरनगर बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। संजीव बालियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। संजीव बालियान जी, एक तो ये किसान जो आंदोलन है उसे लेकर बहुत सारी बातें अभी भी लोगों की समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अफवाहों का बाजार ज्यादा गर्म है और खासकर जो राजनीति हो रही है उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे हुए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में मामला क्या है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन अब ऐसा लग रहा है कि आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि जो किसान है वो इस तरीके की किसी भी घटना में ना आना चाहता है ना जाना चाहता है। और जहां तक हमारे पास रिपोर्ट है, खुद राकेश टिकैत जी भी ये कहते हैं कि शांति के साथ आंदोलन चलता रहे, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। और खासकर अगर हम करें आपके क्षेत्र की बात, तो लगातार आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हम आपसे ही जान लेते हैं कि माजरा क्या है आखिर। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है और कुछ राजनीतिक दल इससे फायदा उठाने के लिए किसान के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहता। अभी दो घटनाएं हुई हैं, परसों शामली जनपद के भैसवाल गांव में, जहां मैं, मेरे क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मंत्री विधायक, हम बाबा उदयवीर सिंह से मिलने गए थे, जो बत्तीसा खाप के छोटे, तो वहीं पर उनके घर के पास ही समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे, जो आवास, जब हम मिलने के बाद निकले आधा घंटा बाद, तो 10-12 लड़के, उनके परिवार के, उनके भतीजे, उनके भाई, नारेबाजी शुरू। उसको नारेबाजी को इस तरह से दिखाया गया मीडिया में कि किसान नारा दे, किसान नारा दे। उसके बाद कल सोरम गांव की घटना है, मैं सोरम गांव में एक तेरवी में गया था, रात में किसान की मृत्यु हुई, उनकी तेरवी थी, उनकी तेरवी में उनके घर के बाहर 5-6 राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, उनका ब्लॉक अध्यक्ष वहां पे पहुंचे और वहां नारेबाजी और जंग शुरू कर, उनके परिवार वाले लोगों ने उनको वहां से बताया, उस घटना को दूसरा रूप दे दिया, उस घटना को। ये सब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं जो किसान का चोला ओढ़ने का प्रयास कर, किसानों की तरफ से कभी ऐसी बात नहीं, किसानों की तरफ से आंदोलन के संबंध में हमने बात की, सब हमेशा किसानों के बीच रहते हैं, हो सकता है उनकी कोई बात हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जिसमें हम और वो एक बात से सहमत ना हो, लेकिन किसानों की तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं, सरकार की तरफ से भी कभी ऐसी बात नहीं, किसान ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लोकदल, ये इस आंदोलन का फायदा उठाना चाहते, इस आंदोलन का राजनीतिकरण करना चाहते। मैं तो किसान नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि वे इस आंदोलन का राजनीतिकरण, इन लोगों को फायदा नहीं उठाना दे रहे, ये सही बात है। नहीं बिल्कुल संजीव जी, फायदा उठाने नहीं दे रहे, लेकिन क्या है कि कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि किसान इतना बड़ा नाम है आज हिंदुस्तान के अंदर, सबको पता है कि अगर किसान आपके पाले में आ जाएं, बात है पाले में लाने की, तो ऐसे क्या कारण आप देखते हैं कि जो किसान आज भी गुमराह हो रहा है, ऐसी बातें कही जा रही है, कुछ तो कमियां होंगी जो किसान आपके साथ उस तरीके से नहीं आ पा रहा जैसा कि कोशिश की जा रही थी, क्योंकि लगातार एक बात आ रही थी सामने कि कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, गलतफहमियां वो बहुत ज्यादा है, उसके लिए जो प्रयास हो रहे हैं उन्हें लेकर शायद इस तरीके की आक्रामकता दिख रही है कि अगर आप लोग समझाने जाएंगे तो शायद किसान समझ ना जाए और वो वापसी का जो रुख है वो ना कर लें, ये भी आपको लगता है कि डर ऐसा लग रहा है विपक्ष को कहीं ना कहीं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत। देखिए, कमी तो जनप्रतिनिधि हमारे जैसे लोगों की कमी रही है, अगर हम किसान को अपनी बात नहीं समझा पाए, मैं स्वीकार करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करता हूँ कि हमारी कोई कमी होगी, हम कृषि बिल के फायदे लोगों को, किसानों को नहीं समझा पाए, बहुत से लोगों ने समझे, कुछ नहीं समझ पाए, किसान सारे हमारे हैं, हमें उन्हें भी समझाना चाहिए, समझाने के लिए उनके बीच जाते तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बीच में दीवार बनकर खड़े हो, किसान की हमारी बातचीत में दूसरा रूप दिया जा रहा है और मीडिया के द्वारा भी दिखाया जाता है तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है किसानों ने विरोध किया, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के हौसले भी बढ़ते जा रहे हैं, किसान की हमारी बात हो जाए, कुछ किसान की बात हम मान लें, कुछ किसान सरकार की बात मान लें, किसानों की ही सरकार है, सरकार किसानों ने ही बनवाई है, तो हम लोग आपस में पहले भी बारह दौर की बातचीत, आगे भी निश्चित रूप से बातचीत होगी, इस समस्या का समाधान हम बातचीत के द्वारा निकालना चाहते हैं,
कहीं आज तक बल प्रयोग नहीं किया गया, एक लाठी किसान के ऊपर आज तक की सरकार में नहीं चली। इतने आंदोलन हुए, 3 महीने से आंदोलन हो रहा, सरकार नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मत है कि अन्नदाता के ऊपर लाठी नहीं चली। बातचीत से हम समस्या का समाधान चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं हमारे, लेकिन ये राजनीतिक दल नहीं चाहते कि किसान की और सरकार की बातचीत हो और इसमें कोई अच्छा रास्ता किसानों के हित में सरकार का अच्छा रास्ता। नहीं बिल्कुल, निकलना भी चाहिए, बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर आप देखें संजीव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण जो यहाँ सवाल खड़ा होता है ये होता है कि आज भी, क्योंकि आपकी जो पूरी बेल्ट है वहां गन्ना किसान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा तादाद में, इस बात को हर कोई जानता है और शायद जितना परेशान वो दिख रहा है उसे लेकर भी लगातार सवाल रहे हैं। एक गन्ने भुगतान को लेकर भी कुछ रोष दिखा, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर इसी तरीके से छोटी छोटी चीजों पर किसान नाराज रहेगा तो कहीं ना कहीं वो जो आंदोलन चल रहा है, जो वास्तव में ये तो समय बताएगा कि गलतफहमी किन लोगों को है, लेकिन उसे सपोर्ट मिलेगी। तो ऐसा भी है कि जो गन्ना भुगतान है उसे लेकर भी जो सवाल चल रहे हैं उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्योंकि लगातार जी संजीव जी, जो गन्ना भुगतान है उसे लेकर जो लोगों के अंदर रोष दिख रहा है, क्योंकि वो भी एक पार्ट है, कहीं ऐसा ना हो कि गन्ना भुगतान हो जाए और फिर वो किसान आराम के साथ में आपके साथ और अच्छे से खड़ा हो जाए, ये भी एक सवाल लगातार चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। हम एक जिम्मेदार मीडिया के नाते आपको बता भी रहे हैं कि ऐसा भी चल रहा है, उसे लेकर हम आपका रुख जानना चाहेंगे कि उसमें कमी कहां लगती है। देखिए, 1968 का शुगर कैन एक्ट जो कहता है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान, ये सच है और ये भी सत्य है कि 1968 से कोई भी सरकार इसका पालन पूरी तरह से नहीं कर पाती। अभी भी कुछ शुगर मिल है, भारत पर की सरकार आने के बाद पेमेंट में बढ़ोतरी तो हुई, गन्ने के रकबे में बढ़ोतरी हुई, पेमेंट भी ज्यादा मिला किसान को, लेकिन ये सच है कि कुछ शुगर ग्रुप्स और कुछ शुगर मिल ऐसी है कि जो समय पर पेमेंट नहीं। इस बात के लिए पिछले कुछ दिनों में माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, मेरी केंद्रीय नेतृत्व से भी बात हुई है कि ऐसा कोई सिस्टम हम लागू करें कि जिससे वाकई जो शुगर कैन एक्ट है उसका पालन हम करवा पाए और किसान को 14 दिन में गन्ने का भुगतान दिलवा पाए। ये किसानों की चिंता का विषय और मेरी चिंता का विषय भी है और हम सब इसमें चिंतित भी और रास्ता भी निकालना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि योगी जी के नेतृत्व में, चूंकि ये प्रदेश का विषय केंद्र का विषय नहीं है, कि योगी जी के नेतृत्व में कुछ ना कुछ इसका हल निकाल जरूर निकलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं यही कहूंगा कि कुछ ग्रुप से उनका कुछ न कुछ उनके साथ जरूर निश्चित रूप से सरकार को करना, बिल्कुल करना पड़ेगा और आप लगातार प्रयासरत भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। आप एक किसान होने के नाते मैं आपसे एक बात जानने चाह रहा हूं, क्योंकि एक मंत्री अलग जगह है, एक सांसद अलग जगह है, लेकिन एक किसान होने के नाते कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि खुद योगी जी कह रहे हैं किसानों के लिए मैं बहुत कार्य कर रहा हूं, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं और ये बिल जो है वो किसानों के हित का बिल है, तो इसमें कमी आपको कहां लगती है कि जो आम आदमी है, आम किसान है या किसान नेता है या और भी जो किसान है, उनमें ऐसी कौन सी दूरियां हैं या ऐसे कौन से कारण हैं जो वो इस बिल को समझना नहीं चाहते, देश के प्रधानमंत्री को या सूबे के मुख्यमंत्री को या कोई भी हो? तो एक किसान होने के नाते उस बात पर आप प्रकाश डालिए कि आखिर कौन सी ऐसी कमी रह गई इस बिल के अंदर जो आज हालात इस तरीके के हो रहे हैं लगातार। देखिए, बिल में कमी नहीं रही, एक परसेप्शन बना दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन चली जाएगी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। एपीएमसी एक्ट से मंडियां बंद हो जाएंगी, जबकि एपीएमसी एक्ट कहता है कि किसी की इच्छा है वो सरकारी मंडी में जाके बेचे या प्राइवेट मंडी में बेचे, तो शायद हम पूरी तरह से नहीं समझा पाए। मैं तो यही कहूंगा, हरियाणा और पंजाब में ज्यादा समस्या इस बात की रही है कि हम किसान को ये नहीं समझा पाए कि हम आपको मंडी से अलग दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक परसेप्शन ऐसा बनता चला गया और उस परसेप्शन को बनने के बाद कई बार ऐसा टाइट परसेप्शन रहता कि हवा भी उसमें से नहीं जा पाती। तो शायद कहीं ना कहीं प्रयास तो चल रहे हैं, शायद आगे हम सफल हो जाएं, लेकिन ये सच है कि मोदी जी ने जो भी काम किया किसान हित में करने की कोशिश की है, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि, आप सोचिए कभी किसी ने शुरुआत की उतने तबड़ा काम की शुरुआत की, और मुझे तो उम्मीद थी कि भविष्य में आगे बढ़ेगी, लेकिन हम इन एक्टों को लेकर बैठ गए जो तीनों कानून है। उसके बाद इन कानून में भी सरकार ने कहा चाहे संशोधन करवा लीजिए, सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया 1.5 साल के लिए स्थगित करा लीजिए, जैसे भी आप हो, सरकार तो किसान की करीब करीब बर्बाद पाने के लिए तैयार है। शायद बातचीत एक बार दोबारा शुरू होगी तो इस समस्या का हल निकल जाएगा, मुझे ऐसी।
ऐसी उम्मीद आपको लगती है, ये आप एक किसान होने के नाते कह रहे हैं जी? जी अच्छा चलिए, क्योंकि आपका जी समय बहुत कीमती है और बहुत सारे कार्य भी आपको हैं। एक अंतिम सवाल आपसे ले लेता हूं कि अभी कल जो बजट आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी जी का एक बजट आया है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सच मायने में मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं मुझे अपना लगातार बिजी हूँ, और सच पूछिए कि आज सुबह से मैं बजट को पढ़ भी नहीं पाया। मैं माफी चाहता हूँ, झूठ बोलना स्वभाव में कम शामिल है, और बजट को एक बार पढ़ने के बाद प्रतिक्रिया को ज्यादा बेहतर। जी नहीं बिल्कुल, यही साफ गोई चाहिए भी थी, और अच्छा लगता है जब एक मंत्री बड़ी स्पष्टता के साथ सारी बातें करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 10 से जुड़ने के लिए, और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि आप ऐसे जुड़ते रहें और बहुत सारी बातें बताते रहें। तो ये थे संजीव बालियान जी, जो स्वयं मुजफ्फरनगर से हैं और एक किसान भी हैं, और लगातार ये वहां प्रयास भी कर रहे हैं कि जो गलत फहमियां बनी हुई हैं किसानों के बीच में, कहीं ना कहीं वो दूर हो। आज इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद।